थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुकी है। यूट्यूब की दुनिया में आपका स्वागत है। लॉट्स ऑफ थैंक्स, मैं आदित्य बंसल आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आशा करता हूँ ऐसे ही सब लोगों का प्यार और मेरे वीडियो अच्छे अच्छे बनाता रहता हूँ मैं, और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा अगला वीडियो आप देखिए। थैंक यू। वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदित्य बंसल। आज दोस्तों मैं बताऊँगा आपको बैंक FD VS आर्बिट्राज फंड। बैंक FD से क्यों अच्छा है आर्बिट्राज फंड? लोग अपनी बचत को अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई को बैंक में लगा देते हैं, लेकिन आजकल बैंकों के रेटों के इंटरेस्ट इस तरह घट रहे हैं जैसे बाज़ार में सब्ज़ियों के दाम तो फिर भी बढ़ रहे हैं, बट इसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। इसलिए आप इससे हटकर कुछ और भी नए नए निवेश, जो पुराने निवेश नहीं जानते, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फंड है जिसमें रिस्क बहुत कम होती है। दोस्तों बात करेंगे इस टॉपिक पर, उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। जो मुझे नहीं जानते उसको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आदित्य बंसल है। मेरा रिटेल स्टोर का बिजनेस है और मैं मार्केटिंग पार्टनर हूँ जरोदा का, और बिजनेस पार्टनर भी हूँ जरोदा का, और फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र इन IIFL। दोस्तों अगर किसी ने जरोदा में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ज़रूर खुलवाइए, उसके साथ मैं बहुत सारे फ़ायदे भी दे रहा हूँ, और बहुत अच्छा ब्रोकर है जरोदा, मैं उसको साथ सारे फ़ायदे दे रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए। आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि जरोदा क्यों अच्छा है और क्यों सबसे सॉरी जरोदा नहीं ये आर्बिट्राज क्यों अच्छा है और इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया। ये मेरा पिछला वीडियो है जो मैंने बनाया था अभी कुछ घंटे पहले। दोस्तों क्या होता है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड? शेयर मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के जो डिफरेंस होता है उसी को आर्बिट्राज कहा जाता है। यानी दो मार्केटों के बीच का डिफरेंस और उसी में प्रॉफिट करना, उसी को आर्बिट्राज कहते हैं। इसका मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ। अगर दुबई में सोने का भाव 31,000 रुपये है और भारत में सोने का भाव 30,000 रुपये है, तो आर्बिट्राज फंड यानी ये क्या करते हैं, भारत के सोने को दुबई में बेच देंगे, उसके बीच का जो अंतर है 1,000 रुपये वो इनका मुनाफा है, उसी का नाम आर्बिट्राज है। ये उसी के बीच का अंतर आर्बिट्राज कहलाता है। दोस्तों जब 2008 में मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था, और ये रिस्क फ्री क्यों है यही बताऊंगा मैं आपको, इसी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था उस समय सारे म्यूचुअल फंडों का परसेंट माइनस में था, लेकिन एक ही फंड ये था किसका प्लस में था। तो सोचिए जब इतने बड़े क्रेज़ के बावजूद भी इसका रिटर्न प्लस में होगा तो वो बहुत ज़ीरो रिस्क है। म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं रिस्क टू सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड आर टू सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, बट आप समझिए सारे फंड में रिस्क होता है, बट इसमें जब इतना गिरने के बावजूद भी रिस्क नहीं था तो मैं तो इसको रिस्क फ्री मानता हूँ। दोस्तों इसमें ये कितना पॉपुलर है, ये इतना पॉपुलर है कि भारत की AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया
की रिपोर्ट कहती है मात्र 2 महीने में, जुलाई और अगस्त की रिपोर्ट है, इसमें 37.10% यानि कि बड़े बड़े जो पॉपुलर और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना म्यूचुअल फंड्स के, उन्होंने कुल इन्वेस्टमेंट यानि 31,500 करोड़ रुपए में से 11,500 करोड़ रुपए आर्बिट्राज में ट्रेडिंग की है, उन्होंने इसमें लगाया है। तो सोचिए आप, इतना पॉपुलर है, और ये पॉपुलर क्यों है ये भी मैं बताऊंगा आपको। जब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना बड़ा, क्योंकि ये मार्केट जब वोलेटाइल होती है ना, ये डर लगता है इसमें कि ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, उसी वक्त इसमें फ़ायदा मिलता है, इसका ये रीज़न है। क्या फ़ायदा है इससे वो हम जानेंगे। जब दोस्तों बैंक आमतौर पर कितना ब्याज देती है, अगर आप सेविंग में डालेंगे तो 3-3.5% उन्होंने कर दिया अभी, और अगर FD करते हैं तो 5.5-6, 6.5 कर दिया, और वो भी पता है कब, जब टैक्स लगेगा, प्लस टैक्स जोड़ लीजिए आप। 6.5% अगर FD मिल डाली आपने, आपके पास 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी पैसे हैं इसमें डाला आपने, तो या तो 6.5 मिनिमम मानो आप, या 6% मानो, उसमें प्लस टैक्स देना पड़ेगा आपको। और लिक्विड फंड में, लिक्विड फंड में 5-8% तक मिलता है रिटर्न, और वो भी प्लस टैक्स है इसमें। पर इसका एक एडवांटेज है, लिक्विड फंड में 3 साल बाद टैक्स नहीं लगता, और आर्बिट्राज फंड अगर आप 1 दिन से लेकर 364 दिन, मतलब 12 महीने 1 साल बाद अगर आप सेल करते हैं, तो इसकी इनकम टैक्स फ्री होती है, इसीलिए इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका ब्याज 4-9% रहता है, इसका इंटरेस्ट 4-9% रहता है, इसका ज़्यादा है इन सब से। अगर आप बैंक में FD करते हैं 1 लाख की, तो 6,000 रुपये, 6,500 रुपये मिलेंगे, प्लस उसमें टैक्स लगेगा। 1 लाख की अगर लिक्विड फंड में करते हैं, 8,000 भी मिले तो उस पर टैक्स लगेगा। पर अगर आर्बिट्राज में करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए करते हैं, 2.5 साल के लिए करते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता आपका, 1 साल से ऊपर कोई टैक्स नहीं। इसीलिए दोस्तों इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास लमसम पैसे हैं, इसमें लमसम ही इन्वेस्ट किए जाते हैं ज़्यादातर, आपके पास ज़्यादा पैसा घर पर पड़ा हुआ है, आप उसको बैंक में रखना चाहते हैं, उससे अच्छा आर्बिट्राज है, सबसे बेस्ट। दोस्तों पता है इसमें रिडीम का सिस्टम क्या है? अगर आप आर्बिट्राज फंड में आपको कम रखना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए जाना जाता है, अगर आपको कम पैसे रखना है, यानी आपने 3 महीने 6 महीने के लिए रखे, तो भी इसमें अगर आप इसको एग्जिट करते हैं तो भी बहुत कम है, 0.25 से 0.50% है ओनली। हाँ जी हाँ, 0.25 से 0.50%। वहीं आप बैंक में जब करते हैं ना, 1% ले लेती है बस, और उससे भी ज़्यादा, 1%, 1.5%, 2%, जो भी उसका चल रहा है। और उसमें एक एडवांटेज और भी है सॉरी, कि अगर आप बैंक से, आपने FD तोड़ी, बैंक में आपको जाना पड़ेगा और उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद FD टूटने में 1, 2, 3, 4, 5 दिन तो लग ही जाते हैं। बट इसमें ये है, इसने आपने रिडम किया, हल्के हाल उसको रिडम किया, उसी दिन पैसा अकाउंट में, जिस दिन वर्किंग डे होगा उसी दिन पैसा अकाउंट में, इसका ये प्रॉफिट है। अगर आपको आर्बिट्राज फंड सबसे बेस्ट पता है कब होते हैं? आपको 2 से 2.5 साल के लिए पैसा रखना है, एक साल से ऊपर और 2-2.5 साल से नीचे, सबसे बेस्ट है। और आपको 3 साल से ऊपर रखना है,
तो उसके लिए दूसरा फंड है, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, वो सबसे बेस्ट है। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा रिटर्न देती है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, अगर आपको वो भी मैं बताऊंगा बेस्ट आर्बिट्राज म्यूचुअल फ़ंड अगले वीडियो में। और दोस्तों पता ही क्या करते हैं, ये बाज़ार ऐसे मार्केट में अगर डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शन आप सब जानते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर उसका ये फ़ायदा उठा लेते हैं बीच में। अगर ऑप्शन में अगर किसी का प्राइस 300 चल रहा है, अगर फ्यूचर में 310 है ना, तो 10 रुपये का अंतर हो गया, वो इनका प्रॉफिट है। सबसे बढ़िया काम इनका लगता है और ये बढ़िया चल रहे हैं। और आपने अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरी नीचे लिंक दी हुई है, आप उसमें अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रोकर है और आप खुलवाएंगे तो आपको फ़ायदा ही है। आप डायरेक्ट खुलवाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों अगर शेयर मार्केट में आप नए हैं तो मेरी पिछली वीडियो भी हैं, और आप अगर आप गहराई से इसको सीखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक कुछ बुक के नाम दे दूंगा, बहुत अच्छे बुक हैं, उनको आप ख़रीदिए। सब तरह की बुक हैं उसमें, 3-4 हैं मिनिमम, आप उनको ले लीजिए, बहुत सस्ती भी हैं। आप उनको पढ़ोगे ना तो अपने आप ही आप समझ जाओगे कि इस तरह से क्या होता है मार्केट में। बहुत सारे कॉल आते हैं, सर कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, बहुत सारे सब लोग पूछते हैं कि कैसे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया था कि टैक्स कब कब लगता है, क्या टैक्सेशन एक शेयर मार्केट का लगता है, वो भी आप देखिए। और मैं आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो। आपको ऐसे ही नए नए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप भी मज़ा आ जाएगा कुल मिला के। थैंक यू।